रोजगार सृजन कर की व्यवस्थाएं स्थापित हों, ऐसी हमारी सोच है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता, लोगों के साथ बिल्कुल सरकार सकारात्मक भूमिका में रहेगी और आप अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजन पर जो आपके सुझाव भी होंगे, जो भी सरकार का सहयोग होगा वो निश्चित रूप से सरकार प्रदान करेगी। उद्योग बढ़े, कैसे छोटे बड़े मंझोले उद्योग स्थापित हों, गांव से लेकर शहर तक में कैसे लोग रोजगार से जुड़े, खुद भी रोजगार करें औरों को भी रोजगार कराएं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं राज्यसभा सांसद मवा मांझी जी, यहां उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, हमारे एसीएस अविनाश कुमार जी, आईटी सचिव विप्रा भाल जी और इस चैम्बर के श्री परेश जी और अध्यक्ष किशोर मंत्री जी। वैसे ही मैंने थोड़ा आप लोगों का ज्यादा समय ले लिया है, 11:30 बजे का समय था, मैं बहुत विलंब से पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और क्षमा भी चाहूंगा और आप लोगों से बहुत ज्यादा वक्त भी अभी नहीं लूंगा। और बहुत कम समय में कल ही मुझे पता चला कि एक कार्यक्रम पूर्व में आयोजित है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कार्य में कोई व्यवधान है, वो अनवरत चलते रहना चाहिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे झारखंड राज्य में अवस्थित जितने भी उद्योग हैं और आने वाले उद्योग हैं जिनके बारे में हम चर्चा विचार कर रहे हैं, इन सब के प्रति हमारी बिल्कुल सकारात्मक सोच है और अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर की व्यवस्थाएं स्थापित हों, ऐसी हमारी सोच है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता, और ये व्यवस्था ऐसी है कि कोई अकेले भी नहीं चल सकता, तो इसीलिए कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी दिलाने वाले बनते हैं, उद्योग लगाने वाले आगे आते हैं, बड़े पैमाने पे रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। झारखंड प्रदेश में मुझे लगता है बहुत सारे यहां उद्यमी बैठे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो झारखंड में हैं। झारखंड के बदलते स्वरूप को आप लोगों ने बहुत करीब से अनुभव किया है, यहां के हर चीज, यहां के हर एक सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक सभी चीजों से आप अवगत हैं।
और तो मैं समझता हूं कि जितने बेहतर तरीके से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इस राज को समझ पाएंगे वो मुंबई गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपके साथ मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास की जो रास्ते हैं उसको तय करने का हमारा भी एक उद्देश्य है। और अभी आपने मंच से बताया गया कि सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी भी बनाई है, अभी हमने उसको बेहतर तरीके से नहीं देखा है और निश्चित रूप से आप लोग अस्वस्थ रहें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी करनी बाकी है। झारखंड प्रदेश तो कहा जाए कि आज के दिन में बिल्कुल इस क्षेत्र को लेकर बहुत चिंताएं नहीं की जा सकी, लेकिन यह भी बात सही है कि आजादी के बाद हमारे देश के नीति निर्धारकों ने इस राज्य के प्रति बहुत उनकी संवेदनाएं रही हैं और शायद इसीलिए इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग बोकारो में लगा, देश दुनिया में अलग नाम रखने वाला अलग पहचान बनाने वाला टाटा उद्योग भी यहीं लगा, बिड़ला समूह की बहुत बड़ी उद्योग भी यहीं लगे, कोल इंडिया की तो सबसे अधिक गतिविधि झारखंड राज्य में ही है, देश का पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे राज्य में लगा, देश का पहला माइनिंग इंस्टीट्यूट इसी राज्य में रहा, उद्योग जगत को स्थापित करने के लिए पूरे देश दुनिया में जिसको उद्योग की जननी कहते हैं एचएससी भी इसी राज्य में रहा। ये बहुत बड़ी सोच हमारे आजादी के बाद के जो नीति निर्धारक लोग थे इन लोगों ने नीतियां निर्धारण की, कई रिजर्वायर इस राज्य में बने जिसकी वजह से सिर्फ यही राज्य नहीं बल्कि आस पड़ोस के राज्य को हम लोग पानी उपलब्ध कराते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं अगर हम उसको देखें, लेकिन ना जाने अचानक समय बीतता गया और जो चल पड़ी थी गाड़ी वो कहीं डिरेल हुई और नतीजा कई उद्योग बंद भी हुए, लोग बेरोजगार भी हुए और जो बड़े उद्योग लगे थे जिसको और बड़ा होना चाहिए था बल्कि वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। तो मैं ये चाहता हूं कि हम ऐसी नींव डालें जिसकी उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ ले पाए। तो इसलिए आप लोगों के साथ बिल्कुल सरकार सकारात्मक भूमिका में रहेगी और आप अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजन पर जो आपके सुझाव भी होंगे जो भी सरकार का सहयोग होगा वो निश्चित रूप से सरकार प्रदान करेगी।
इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।